नमस्कार दोस्तों, आज हमें मंडे नाइट रो के एपिसोड के अंदर मेन इवेंट के अंदर एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला, जो कि फैंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर जो रिटर्न था वो हमें नाया जैक्स का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट के पूरे रिव्यू के बारे में, कौन कौन से सेगमेंट्स, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिले, और स्पेशली जजमेंट डे यहाँ पर जे उसो को टारगेट कर रहा है कि जे उसो बहुत जल्द जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों, शो की स्टार्टिंग हमें जे उसो के साथ देखने को मिलती है, और जे उसो को मानना पड़ेगा कि फैंस के बीच में जे उसो काफी ओवर हो चुके हैं। जे उसो दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और जे उसो बोलते हैं कि मेन इवेंट जे उसो इज नाउ योर सिटी। इसके बाद जे उसो बताते हैं कि ब्लड लाइन से बाहर होने के बाद और रो का हिस्सा बनने के बाद काफी अच्छा वो महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों केविन ओन्स आते हैं। केविन ओन्स बताते हैं कि जे उसो के ऊपर काफी सारे सुपरस्टार्स को ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों केविन ओन्स बात करते हैं कि ड्रू मैकइंटायर और मैट रिडल वो सुपरस्टार है जो कि बैक स्टेज अभी जे उसो के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और जे उसो को अभी काफी कुछ प्रूव करने की जरूरत भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जजमेंट डे हमें देखने को मिलती है। फिन बैलर यहाँ पर बताते हैं कि जो पूरी जजमेंट डे है वो जे उसो की रिस्पेक्ट करती है और जे उसो के ऊपर ट्रस्ट करती है, और जे उसो के लिए पूरे दरवाजे खुले हैं कि वो किसी भी तरीके से हमारे जजमेंट डे के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केविन ओन्स के बारे में बात करते हैं। केविन ओन्स बताते हैं कि सैमी ज़ेन यहां पर नहीं है, लेकिन जे उसो मेरे साथ अब होने वाले हैं। और यहां पर दोस्तों सिंपली जे उसो इस सेगमेंट के अंत में डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर सुपर किक लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है, जो कि था जे उसो एंड केविन ओन्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर के बीच में मैच। ये दोस्तों आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस मैच की एंडिंग में दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है कि बाय चांस यहां पर जो जे उसो है वो सुपर किक लगा देते हैं केविन ओन्स को, जिसका फायदा दोस्तों फिन बैलर अपने फिनिशर के साथ उठाते हैं। फिन बैलर अपना फिनिशर लगाते हैं और 1-2-3 यहां पर जजमेंट डे विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद जे उसो और केविन ओन्स एक दूसरे को देख रहे थे। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर द मीज वर्सेज अकीरा टोजावा के बीच में मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर दोस्तों मीज ने पूरे गुस्से में इस मैच के अंदर अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करी। यहां पर उन्होंने 3 फिनिशर्स लगाए अकीरा टोजावा के ऊपर, और इस तरीके से द मीज ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। और स्मैकडाउन के अंदर जो मीज वर्सेस एलनाइट का दूसरा मैच होने वाला है, ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसके बाद दोस्तों हमें गुंथर का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। गुंथर रिंग के अंदर आते हैं, और यहां पर बताया जाता है कि गुंथर ने होंकी टोंकी मैन का जो रिकॉर्ड है आईसी चैंपियनशिप का, उसको तोड़ दिया है। 35 सालों का जो रिकॉर्ड था वो गुंथर ने अब ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद गुंथर जर्मन के अंदर बात करते हैं। गुंथर ये भी बताते हैं कि जो आईसी चैंपियनशिप है वो इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, उन्होंने इस चैंपियनशिप को कितना ज्यादा रेलेवेंट बनाया है। इसके बाद दोस्तों चैट गेबल आते हैं। चैट गेबल दोस्तों बात करते हैं कि लास्ट वीक मैं तुम्हें हरा ही देता, तुम्हारी यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि तुम इस मैच को जीत गए और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद दोस्तों चैट गेबल गुंथर को बधाई भी देते हैं, और चैट गेबल यहाँ पर बताते हैं कि मैच हारने के बाद मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब मैं मैच को जीत जाऊंगा और तुमसे ये चैंपियनशिप ले लूंगा तो मैं अपनी बेटी को स्माइल गिफ्ट करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों पूरी इंपीरियम जो है वो चैट गेबल और ओटिस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन चैट गेबल और ओटिस को बचाने आते हैं यहाँ पर तोमासा चैंपा। और इस तरीके से दोस्तों इस सेगमेंट का जो फिनिश है वो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जेवियर बुर्स के बीच में मैच देखने को मिलता है। मैच ये काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इस मैच के अंदर हमें दिस इज ऑसम के चैंट्स भी सुनने को मिलते हैं। मैच के एंड में दोस्तों हमें आउट ऑफ नो वेयर ड्रू मैकइंटायर का फिनिशर क्लेम और देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रिडिक्टेबल भी था कि इस मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर विक्ट्री हासिल करने वाले हैं। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच के अंदर विक्ट्री भी हासिल कर ली। दोस्तों इसके बाद हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। क्राउड की तरफ से उनको काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कोडी रोड्स ज्यादा बात करते उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें डोमिनिक मिस्टेरियो और जेडी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो बताते हैं कि मेन इवेंट जे उसो को कोडी रोड्स रो के ऊपर लेकर आया है, लेकिन दोस्तों जे उसो बहुत जल्द जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाला है। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो बताते हैं कि जब जे उसो हमारे साथ शामिल हो जाएगा तो कोडी रोड्स का जो फेस होगा वो देखने लायक होने वाला है, और यहाँ पर कोडी रोड्स का फूल बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स से रहा नहीं जाता, कोडी रोड्स यहाँ पर अटैक करते हैं जेडी और डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर। और इस तरीके से दोस्तों जो ये सेगमेंट है यहाँ में फिनिश देखने को मिलता है। कोडी रोड्स अपने मूव्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि
कोडी कटर हो गया, यहाँ पर क्रोट्स रोड्स भी लगाते हैं वो जेडी के ऊपर, और इस तरीके से कोडी रोड्स इस सेगमेंट को फिनिश करते हैं और यहाँ पर 200 कोडी रोड्स सेलिब्रेट करते हैं अपने इस सेगमेंट में। इसके बाद दोस्तों हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेज शेना बेजर के विषय मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ इस मैच के अंदर बताने के लिए नहीं है, सिंपली यहाँ पर 200 शेना बेजर विक्ट्री हासिल कर लेती है। इसके बाद दोस्तों सेथ रोलंस आते हैं, सेथ रोलंस को दोस्तों काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है, क्राउड जो उनका गाना है वो यहाँ पर गा रहा है। सेथ रोलंस बताते हैं कि शिंसुके नाकामुरा एक लायर है, यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा के बारे में ही सेथ रोलंस बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं सेथ रोलंस। शिंसुके नाकामुरा का म्यूजिक हिट होता है लेकिन शिंसुके नाकामुरा यहाँ पर बाहर नहीं आते। शिंसुके नाकामुरा दोस्तों बैक स्टेज यहाँ पर रिकोशे को बुरी तरीके से मार रहे हैं और शिंसुके नाकामुरा यहाँ पर बताते हैं कि मैं तुमसे चैंपियनशिप लेने वाला हूँ, लेकिन अभी जो सेथ रोलंस है वो मेडिकली क्लियर नहीं है, शिंसुके नाकामुरा ऐसा बोलते हैं, और जो फाइट होगी वो हमारे बीच में होने वाली है लेकिन मैं तुमसे आज मैच रेसल नहीं करूंगा और तुम अभी अपनी चैंपियनशिप के साथ रह सकते हो लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मैं तुमसे ये चैंपियनशिप लेने वाला हूँ। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि था दोस्तों अल्फा अकेडमी एंड तोमासा चैंपा वर्सेस इंपीरियम के बीच में मैच। ये दोस्तों आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस मैच के एंड में दोस्तों यहाँ पर चैट गेबल जो है वो दोस्तों विंसी के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, लेकिन गुंथर जब चैट गेबल्स को मारने के लिए आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तोमासा चैंपा उनको पकड़ लेते हैं और गुंथर जो है वो देख रहे हैं कि विंसी टैप आउट कर रहे हैं और इस तरीके से दोस्तों अल्फा अकेडमी एंड तोमासा चैंपा इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि था वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रकेल वर्सेज रिया रिपली के बीच में मैच। ये दोस्तों आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, दोनों ही सुपरस्टार की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है तो मैच को अंदर तो आपको रेसलिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मैच के एंडिंग मोमेंट पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो रकेल है वो अपना फिनिशर लगा देती है, लेकिन तभी दोस्तों हमें नाया जैक्स देखने को मिलती है जो कि रकेल के ऊपर अपना समाउन ड्रॉप लगाती है। क्राउड की तरफ से उनको बू सुनने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों रिया रिपली ने अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन दोस्तों मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर नाया जैक्स रिंग के अंदर आती हैं और दोस्तों वो यहाँ पर रिया रिपली के ऊपर भी अटैक कर देती है और इसके बाद दोस्तों नाया जैक्स यहाँ पर रिया रिपली के ऊपर भी अटैक करती है और दोस्तों रकेल के ऊपर तो उन्होंने अटैक किया ही था और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो नाया जैक्स है वो रिंग के अंदर स्टैंड टॉल करती है और इस तरीके से आज हमें नाया जैक्स का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड हमें काफी एंटरटेनिंग देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।